अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिक्स्ड नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, पेज नंबर 55। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट ए 15/10। अब हम इसको सॉल्व करें। हमने पहले इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर को हम अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 10 ones are 10, 15 minus 10 आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1 whole 5/10, 1 whole 5/10। अब चूंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये 5 के टेबल से दोनों कट होंगे, 5 ones are 5, 5 twos are 10। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 whole 1/2, 1 whole 1/2। बी पार्ट है 9/6। इसको भी सेम ही हम सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को हम अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। 6 ones are 6, 9 minus 6 is equal to 3। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1 whole 3/6, 1 whole 3/6। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 3 के टेबल से कट होगा। 3 ones are 3, 3 twos are 6। तो आंसर क्या आया? 1 whole 1/2। पार्ट सी है 10/8। सी को भी हम सेम ए और बी की तरह सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर को हम अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 ones are 8, 10 minus 8 क्या आ जाएगा? 2। तो 1 whole 2/8, 1 whole 2/8 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कटिंग करेंगे। ये 2 के टेबल से कट होगा। 2 ones are 2, 2 fours are 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 whole 1/4, 1 whole 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड 4/5, 7/10, 2/5। एक्सप्रेस योर आंसर एज ए मिक्स नंबर। हमने इसका आंसर मिक्स नंबर में लाना है। हमने तीनों वैल्यूज़ को लिख देना है बीच में प्लस का सिंबल डाल के, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ सेम नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास 5 twos are 10 आ जाएगा, सेम आ जाएगा इनके बराबर। तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को भी, इस वाले डिनोमिनेटर को भी और इस न्यूमिनेटर को भी, ठीक है। 5 twos are 10, 4 twos are 8, ये वैल्यू सेम आ जाएगी नीचे। फिर हमने लिखना है 5 twos are 10, 2 twos are 4। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हम एक ही डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। देन हमने 8 plus 7 plus 4 प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 19। हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे, बड़ी को अंदर। 10 ones are 10, 9 minus 0 is equal to 9, और 1 minus 1 0 आ जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 whole 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ ही सॉल्व होगा, या आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, लेट्स ट्राई एडिंग फ्रैक्शंस, पेज नंबर 60। डू द फॉलोइंग सम, एक्सप्रेस योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। 4/7 plus 3/7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर बाय सेवन प्लस थ्री बाय सेवन, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सेम 7 1 ही लिखेंगे, ठीक है। एक ही 7 लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में।
और हमारे पास 4 + 3 क्या आ जाएगा, 4 + 3 = 7, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम आ गया और इसको प्लस करके हमने क्या लिखा, 7, 4 + 3 = 7। हमने चूँकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको 7 के टेबल 7 ones are 7 और ये भी 7 ones are 7, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। बी पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही होगा, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पार्ट सी है 2 by 3 + 7 by 9, 2 by 3 + 7 by 9, हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज है तो हमने फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के टेबल से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 threes are क्या हो जाएगा, 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और हमने न्यूमिरेटर को भी सेम टेबल से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 threes are 6, 3 threes are 9, + 7 by 9 सेम ही आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं 9, तो हमने 1 एक ही डिनोमिनेटर लिखना है प्लस न्यूमिनेटर में लिखना है 6 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13, 13 by 9। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी कटिंग भी नहीं होती तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए छोटी वैल्यू को हमने अंदर रखा, छोटी वैल्यू को बाहर रखा, बड़ी वैल्यू को अंदर रखा, 9 ones are 9, 13 - 9 = 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 whole 4 by 9, क्या आंसर आ गया, 1 whole 4 by 9। डी पार्ट भी हमारा सी की तरह ही सॉल्व होगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। हम अब हमने देखना है पार्ट ई, 1 by 3 + 5 by 6 + 2 by 3, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तीनों वैल्यूज़ को हमने नीचे लिख देना है सेम, हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको हम करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 by 3 हमने तीनों सेम लिख लिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी न्यूमिरेटर को भी, तो हमारे पास 3 twos are 6 और 1 twos are 2, 5 by 6 सेम आ जाएगा, प्लस फिर हमने ये भी सेम करना है क्योंकि हमारे पास दोनों 3 वैल्यूज़ हैं तो सेम टेबल से ही हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे 3 twos are 6, 2 twos are 4, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर हमने लिखना है, फिर हमने 2 + 5 + 4, अब हमने इसको प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 by 6, ये हमारे पास फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए 6 बाहर लिखा, 11 अंदर, 6 ones are 6, 11 - 6 = 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 whole 5 by 6, आंसर है 1 whole 5 by 6। पार्ट एफ भी सेम एज इट इज़ सॉल्व होगा। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2, अ पीस ऑफ रोप इज़ 3 by 5 meter एंड अनदर पीस इज 7 by 10 meter, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसीज ऑफ रोप ऑल टुगेदर। वन पीस ऑफ रोप हमारे पास क्या है, 1 piece of rope = 3 by 5 meter, अनदर पीस ऑफ रोप इज इक्वल टू 7 by 10 meter, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे 3 by 5 + 7 by 10 आ जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको सेम करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 twos are 10, 3 twos are 6, डिनोमिनेटर सेम आ गया हमारे पास 10, तो हम डिनोमिनेटर में इसको 10 लिखेंगे, फिर 6 + 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 13, हमारे पास ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 को हम 13 पे डिवाइड करेंगे, 10 ones are 10, ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 13 - 10 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3, तो 1 whole 3 by 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
वन होल 3/10। डियर स्टूडेंट, वी एंड आवर लेक्चर हियर। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।